जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्यमाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 31वें और 32वें श्लोक के द्वारा विश्व रूप दर्शन के अंदर और प्रवेश करने का अवसर आज हमें मिल रहा है। और उससे पहले मैं एक छोटा सा निवेदन कर लेना चाहता हूँ। हमारे कई मित्र हैं जो समझते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता और भागवत ये दोनों एक ही ग्रंथ हैं। ऐसा अगर ध्यान नहीं दिया हो तो लग जाता है। तो ये देखिए, ये जो ग्रंथ है ना, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो पुराण जो है उनमें सम्मिलित होता नहीं है। वैसे महाभारत को पंचम वेद कहते हैं, उसमें है श्रीमद् भगवद गीता। और अगर हम गीता प्रेस का ग्रंथ देखना चाहते हैं तो ये वाला है। तो अब दोनों में जो समानताएं हैं और भिन्नताएं वो बहुत सारी हैं, उस विस्तार में नहीं जाते हुए। लेकिन जो आनंद की बात है कि कृष्ण प्रेम की सरिता का प्रवाह दोनों में है, कृष्ण की भक्ति का रस लबालब भरा हुआ है भागवत में। तो आज की शुरुआत मैं अपने माता जी का स्मरण करते हुए, जिनको श्रीमद् भागवत ग्रंथ से बहुत प्रेम है, उनके अनुराग को नमन करते हुए, जो श्रीमद् भागवत महात्म्य है उसका प्रथम श्लोक और उसका अनुवाद का स्पर्श भी करेंगे और देखेंगे कि वो कहाँ जाकर विश्व रूप दर्शन, जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं, उससे भी जुड़ता है। देखते हैं, प्रथम अध्याय में ही है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे व्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथा सुतम। देखिए ये जो कहा है ना, कृष्णम वंदे प्रथा सुतम, ये प्रथा तो वही है ना, प्रथा पुत्र कौन है जो कि अर्जुन के साथ संवाद कर रहे हैं, ये बात सही है कि नहीं है? इसका उत्तर आप अपने मन में रखते हुए, ये प्रथम जो श्लोक है ना पहले अध्याय का श्रीमद् भागवत का, वो है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। इसका अर्थ है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु और आध्यात्मिक, वो जो ताप त्रय का ना, तीन तरह के ताप उनका विनाश करने वाले हैं, तो उनका उल्लेख कर दिया, आध्यात्मिक, आधी दैविक और आधी भौतिक, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में हम देख रहे हैं अर्जुन के साथ बैठकर कि ये नाश कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है। और भक्ति की बात 12वें अध्याय में बहुत अच्छी तरह हमारे सम्मुख आएगी श्रीमद् भगवद गीता के, पर 11वें अध्याय में जो विश्व रूप दर्शन है उस तरफ बढ़ने से पहले एक हल्की सी बात और कर ली जाए। उसमें स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरिजी महाराज का स्मरण करते हुए वो अष्ट मूर्ति उपासना के बारे में बात जब करते थे, तो अष्ट मूर्ति में ये सब है जो पांच तत्व हम मानते हैं ना, जल है, उसमें अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, ये सब जो है। तो हमारे
संतों ने ये संकेत दिए, और अभी विशेष करके चातुर्मास जो चल रहा है, और हमने एक बार पहले स्मरण किया था कि कुछ समय बरस में ऐसा होना चाहिए जब हम कार्य के पीछे भागने की जो गति है उसको रोक दें, अपने आप में प्रवेश करने के लिए, बाहर नहीं भागना है, अंदर जाना है। अंदर जाने की जो लय है वो कैसे बनती है, उसमें प्रकृति हमारे लिए बहुत अनुकूल रहती है, सहयोगी होती है। तो आप पर्वतों के पास देखेंगे जहाँ पर योगी मिलेंगे आपको, तो हिमालय तो स्वयं ऐसे पावन स्थल हैं जहाँ से प्रचुर प्रेरणाएं, पूरी भारतीय संस्कृति का जो प्राण है उसके साथ की निकली हैं। और दूसरी बात है कि नदियों के पास बैठकर उनकी कलकल सुन रहे हों, वृक्षों के पास बैठ रहे हों, हवा कैसे चल रही है उसका आस्वादन लेते हुए, वो जो एक शने शने गति धीमी होती है मन की चंचलता की, उसके महत्व के बारे में हमारे शास्त्र बताते हुए थकते नहीं हैं। तो एक जो भर्तृहरि जो है, उनका यदि आपने नाम नहीं सुना है तो आज सुन लिया। तो भर्तृहरि के बहुत सारे जो जीवन के प्रसंगों में श्रृंगार शतक भी उनके द्वारा प्रकट हुआ है। तो हमारे शास्त्रों में भारतीय वांग्मय जो कह दें अगर, तो उसमें ऐसे बहुत सारे चरित्र हैं जिन्होंने प्रयोग करके देखा जीवन का कि क्या है रस, यदि हम अपनी कामनाओं के पीछे भागते हैं तो होता क्या है। तो उनके चरित्र से हम कुछ सीखें, इसलिए शास्त्रों का विशेष महत्व है। तो एक श्लोक जो है जो कि भर्तृहरि के अनुभव का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, और ये उस समय का है जब वो शरीर छोड़ने वाले हैं और प्रकृति के ये जो कुछ उनके सखा रहे हैं उनको अपना धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। आप देखें, मातर मेदिनितात मारुत सखे तेज सुबंधो जल भ्रातर्व्योम निबद्ध एव भवता मत्स्य प्रणामांजलि युष्मत् संगवशोपजात सुकृत स्वारस्फुरन निर्मल ज्ञानापास्त समस्त मोह महिमा लिये परब्रह्मणि। इसका अर्थ भी सुन लें, कहते हैं कि माता धरती, धरती माता को कह रहे हैं, और पिता वायु, वायु को पिता के रूप में संबोधित कर रहे हैं, तेज अग्नि को कह रहे हैं मेरे मित्र। तो संबंध बना लिया ना सब ये जो प्रकृति के अष्टमूर्ति स्वरूपों के साथ में, और कहा कि मेरे निकट संबंधी जल, मेरे प्रिय भ्राता कौन, महान आकाश, आप सबको मैं सादर आभार अंतिम प्रणामांजलि अर्पित करता हूं। आपके चिर संपर्क से मुझे आध्यात्मिक गुणों की वो संपदा प्राप्त हुई थी जो कि अब मुझमें विशुद्ध ज्ञान का निर्मल प्रकाश बनकर फूट पड़ी है। मेरा अज्ञान तम नष्ट हो गया और मैं शाश्वत सत्य में, सर्वात्मा में, परब्रह्म में लीन हो रहा हूं। ये अपने अंतिम समय में भर्तृहरि ने जो अष्टमूर्ति के प्रति अपने भाव व्यक्त किए स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज के द्वारा, उसको तरु सम्मित साधना के परिचय में सम्मिलित किया गया है। समय कहता है कि आज के जो दो श्लोक हैं वहां तक जल्दी जल्दी चलते हैं। 31वां जो श्लोक है इसमें उग्र रूप जो भगवान का है उनके तत्व को जानने के लिए अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, और 32वें श्लोक में भगवान अपना उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये जो संधि है ऐसे कम मिलती है उनको कि अर्जुन भी बोल रहे हैं और भगवान भी बोल रहे हैं, और आप सुन रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं, आख्या ही मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देव वर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हे भगवान कृपा करके मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं,
हे देवों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आर्य पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ मैं महाकाल हूं। इस प्रकार के जो वचनों के साथ में भगवान अपना उत्तर दे रहे हैं उसके बीच में ऐसा लगता है ये जो विश्वरूप दर्शन है इस प्रसंग के साथ में हमें कहीं कहीं नरसिंह भगवान का भी स्मरण हो जाता है, जो भक्त प्रहलाद के आह्वान पर उनकी रक्षा के लिए जो खंभा फाड़ कर जो प्रकट हुए थे और फिर उनका तो स्वरूप ऐसा था नरसिंह थे, तो इसलिए प्रहलाद उनको देखकर डर रहे थे, बाकी लोग भी डर रहे थे, प्रहलाद तो फिर भी संवाद कर रहे थे। तो अर्जुन ने जो बात कही है उसमें कहीं उसका थोड़ा सा स्मरण हुआ आता है। इसके उत्तर में 32वें श्लोक से भगवान क्या बता रहे हैं, श्री भगवान वाच कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धौ लोकान् समाहर्तु हमिये प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधाः। इस तरह अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं, इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। तो निमित्त मात्र बनने के लिए जो अर्जुन को भगवान ने कहा था उस बात का स्मरण करते हुए सबके कल्याण सबके मंगल की प्रार्थना करते हुए पूर्णता की तरफ हम बढ़े ऐसा निश्चय करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।